हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर विद लाइफ कोच एंड करियर मेंटर मिस्टर विवेक गुप्ता। हाय हेलो हाय। सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम लोग इतने साल से जुड़े हुए हैं आपस में और हम लोग ने काफ़ी बार काम भी किया है साथ में। तो व्हेन इट कम्स टू हाई स्टेक नॉलेज सर्विसेज, ऑल्दो यू आर वेरी गुड नेगोशिएटर, बट व्हेन इट कम्स टू हाई स्टेक नॉलेज सर्विसेज देन यू डोंट बिलीव इन नेगोशिएटिंग। तो सर, ऐसा क्यों है? वेरी एप्ट टॉपिक फॉर द डे करंट। And as you rightly said, I am a decent negotiator. I know कि किसका कौन सा काम कितने पैसे में होना चाहिए। I think इस सवाल का जवाब देने के लिए, if you remember our other video which was about choosing the right vendor once again for high stake knowledge services, the same answer applies here in a slightly different manner. देखिए, जब आप फिर से अगर आप कोई product खरीद रहे हैं, आप एक फ़ोन ले रहे हैं, आप एक लैपटॉप ले रहे हैं, आप एक टेलीविज़न ले रहे हैं, आप एक कार ले रहे हैं, आपको मालूम है कि मैं कार का डिज़ायर का VX है मॉडल ले रहा हूँ या मैं फ़ोन में रेडमी का 4A ले रहा हूँ। नाउ यू नो द फोन, नाउ यू हैव 3 शॉप्स, आपके पास 3 दुकानें हैं। कोई दुकान आपको 6,000 रुपये का दे रही है, कोई दुकान आपको 5,900 रुपये का दे रही है सेम फ़ोन। आपको पता है मेरे 100 रुपये बच रहे हैं, मैं 100 रुपये बचा रहा हूँ। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दैट ऑलवेज, एंड वी negotiate for that and try to find the best vendor who can give that phone at the lowest price. क्योंकि इसमें कोई high stake नहीं है in terms of long term engagement. यही चीज़ लागू होती है जब हम एक routine service ले रहे हैं, again referring to the same video. But now when it comes to high stake long term services, then it is very important कि जो इंसान मेरे को service provide कर रहा है, he is in the best frame of mind and he is doing his best for me. और ये जो मेरी थ्योरी है, ये बहुत ही हसीन और एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरी अपनी एंगेजमेंट का, जहाँ शायद मैंने सीखा पहली बार। तो वी वर टॉकिंग अबाउट एंड बुकिंग अप अ बैंक्वेट हॉल, एंड वंस अगेन उसने एक कोट प्राइस कोट करा और जो हमारी आदत है नेगोशिएशन करने की, मैंने 20% डाउन करके ऑफर करा। उस इंसान ने मेरे प्राइस को ना सिर्फ मान लिया बल्कि बोला कि विवेक जी, अगर आप चाहो तो थोड़ा और कम कर दूँ। मैं बड़ा हैरान था, कहता सर देखिए, जब मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, अपना हॉल आपको रात शाम के लिए दे रहा हूँ, तो मुझे तो इस रात में इतना पैसा कमाना ही कमाना है। जब मैंने आपको पहला रेट कोट किया था तो मैं उसका 85% आप पे खर्च कर देता। वो खर्च होता वेटर की क्वालिटी पे, वो खर्च होता खाने की क्वालिटी पे, वो खर्च होता है कि जो सर्व किया जा रहा है फूड वो किस तरीके से किया जा रहा है, एसी जो इतने बड़े हॉल का चल रहा है वो क्या वो लगातार चल रहा है, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट जून में थी। और उसने मुझे मुँह पे बोला कि मुझे तो आज इस शाम में 1,00,000 रुपया कमाना ही कमाना है। अब आप अगर मुझे 5 लाख देंगे तो मैं आप पे 4 लाख खर्च करूँगा, आप मुझे 3 लाख देंगे तो मैं आप पे 2 लाख रुपये खर्च करूँगा, और मेन्यू सेम रहेगा। उसने बात पर जोर दिया कि मेन्यू सेम रहेगा, आप ये नहीं कह पाएंगे कि आइटम्स में कमी है, लेकिन वो जो मेन्यू की क्वालिटी है, वो जो आइटम की क्वालिटी है, वो जो आइटम की अवेलेबिलिटी है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, वो वेरी होती जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दैट वाज अ बिग आई ओपनर फॉर मी एट द एज ऑफ 28, 11 साल पहले। और उस चीज़ को मैंने अपने जीवन में अपनाया और फिर मैंने कई जगह ये चीज़ महसूस करी, कई जगह मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी। हाई स्टेक नॉलेज सर्विस क्या होती है? वंस अगेन, जब आप किसी एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, किसी एक्सपेंसिव लीगल ऑप्शंस के लिए जा रहे हैं, किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, कि अपने घर को रिनोवेट कर रहे हैं, घर को दोबारा बना रहे हैं, एजुकेशन कंसल्टिंग के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, MBBS करने बाहर जा रहे हैं, इन सब डिसीजंस में आपका बहुत हाई स्टेक है। एक टिपिकल एग्जाम्पल, आपका एक सिविल केस चल रहा है जिसमें 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी फंसी हुई है। उस 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए एक लॉयर आपसे 1,00,000 रुपये कोट करता है और आप बहुत कोशिश करके कहते हैं कि नहीं 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 जी, हमारा काम 70,000-80,000 में कर दो। आप ये भूल जाते हैं कि उस इंसान ने तो आपसे 1,00,000 रुपये मांगा था, जिसमें से आपने उसका 20% कम कर दिया, जबकि आपका स्टेक 1,00,000 रुपये नहीं है, आपका स्टेक 2 करोड़ 2 करोड़ रुपये है। 2 करोड़ में से 20,000 रुपये बचा के आपने क्या कर लिया? 1% भी शायद नहीं, 0.01% बचता है। लेकिन उस लॉयर का, जिसकी कमाई 1,00,000 रुपये थी, जिसके लिए वो इतना एफर्ट करने वाला था,
अब जैसे ही आपने बोला कि 80,000 कर दे, वो उस एफर्ट को इतना कर 20% कम कर दे। अब वो एफर्ट कैसे कम होगा कि आपके लिए डेट्स पे वो खुद ना जाके किसी जूनियर लॉयर को भेज देगा, आपका जो केस फ्रेमवर्क हो रहा है वो खुद ना टाइप करके, खुद ना दिमाग लगा के उस अपने जूनियर काउंसलर्स को बोल दिया कि भाई इस केस को देख लो, और वो जो इवेंचुअल क्वालिटी आउटपुट आना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑफ दैट पर्सन, वो उतना बेहतरीन नहीं आएगा जितना आ सकता था। सिमिलरली यू आर गोइंग फॉर अ आर्किटेक्ट ओपिनियन, यू आर गोइंग फॉर अ हेल्थ केयर ओपिनियन, यू आर गोइंग फॉर द एजुकेशन ओपिनियन। हमारे जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबल नॉलेज वर्स के, एज यू नो आप भी उसी फील्ड में काम करते हैं थ्रू योर करियर ग्रोथ, दैट MBBS जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, पेरेंट्स हैं दे आर स्पेंडिंग एनीवेयर बिटवीन 17 लाख to 25 लाख डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द यूनिवर्सिटी। उसके लिए जो कंसल्टेंट्स होते हैं हिंदुस्तान में, सारे कंसल्टेंट बेहतरीन काम करते हैं, 70,000 रुपये वो आपसे लेते हैं जिसमें उनका काम होता है एडमिशन से लेके आपको वहाँ तक पहुँचाने का, और उसके बाद भी बच्चे को वो लोकल गार्जियनशिप प्रोवाइड करने का। अब अगर आपने उसको 80,000 रुपये पूरा दिया जितना उसने आपसे मांगा था, तो आपका वो फ़ोन एक रिंग में उठाएगा सिर्फ आज नहीं अगले 5-6 साल तक। और अगर आपने उसको 40,000 रुपये दिया, वो शायद आपका केस ले लेगा क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता क्लाइंट को, लेकिन वो जो बात की सर्विस है अगले 6 साल की सर्विस है, क्या वो उतनी प्रॉम्प्टली देगा? और अल्टीमेटली आपने बचाया कितना? 20,000 रुपये। जबकि आपका बच्चा गया हुआ था 20 लाख का कोर्स करने, तो सिर्फ 1% पैसा बचा के वो इंसान जो आपके बच्चे का अगले 5 साल का कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवा सकता है, आपने उसको डीमोटिवेट कर दिया, मैं ऐसे बोलता हूँ, और उसकी वजह से शायद आपका जो इवेंचुअल नुकसान हो जाए या एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए वो 20,000 से कहीं ज़्यादा हो जाए। सो जो भी ऐसी सर्विस है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सामने वाले की ईमानदारी की अहमियत समझें। जब अगर आपने राइट वेंडर चूज़ कर लिया है एज़ पर अवर अदर वीडियो, और एक बार आप उसकी ईमानदारी को समझ लें तो फिर आप उस पर पूरा भरोसा करें। अक्सर जो राइट वेंडर होते हैं, जो अच्छे वेंडर होते हैं, वो प्राइस भी बहुत सही कोट करते हैं, वो प्राइस भी वही कोट करते हैं कि जिससे कि आपका वो बेहतरीन काम कर सके और उनका भी बिजनेस और घर ठीक से चल सके। अगर आप उस पर नेगोशिएट करेंगे तो वो डेफिनेटली अपने समय से कम देगा आपको, और जिसकी वजह से इवेंचुअल जो आपका हाई स्टेक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसी क्वालिटी पे इम्पैक्ट आएगा। तो सर क्या आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस एक्सपीरियंस करी है जहाँ पे आपने किसी से नेगोशिएट ना करा हो? सो वेरी फ्रेंकली करण एंड वेरी राइट एग्जांपल यू आस्क, तो मेरा एक जो रेगुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ही लिव्स क्लोज टू आवर हाउस ओनली, मिस्टर नवीन अग्रवाल, वेरी 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 यंग बट वेरी गुड CA, मेरी फैमिली के सारे रिटर्न्स वो फाइल करते हैं, और मेरा रूल है पिछले 6 साल से कि मैं कभी उनसे पूछता नहीं कि क्या फीस हुई, मैं मई में जाके उन्हें ब्लैंक चेक पकड़ा के आ जाता हूँ। रियली? यस, एंड ट्रस्ट मी इवेंचुअली द मनी दैट ही टेक्स फ्रॉम दैट चेक इज वेरी वेरी नॉमिनल, शायद 2,500-3,000 रुपये पर रिटर्न पड़ता है, क्योंकि हम सभी का रिटर्न में ऑडिट भी होता है और चार तरह की चीज़ें होती हैं। आप कह सकते हो कि नहीं सर, बाज़ार में कोई और इंसान शायद यही काम 2,000 रुपये में कर देगा, लेकिन वो 1,000 रुपये पर पर्सन एक्स्ट्रा देकर, और स्पेशली व्हेन आई शो माय ट्रस्ट ऑन हिम सो मच, अगले 12 महीने तक आज तक कभी मेरे पास कभी ये फ़ोन नहीं आया कि सर आपके पास IT रिटर्न में ये चिट्ठी आई है या GST रिटर्न में ये प्रॉब्लम हो गया है। सारे काम अपने आप स्मूथली होते रहते और मुझे पता ही नहीं चलता, बिकॉज इट इज़ अ रेगुलर वर्क विच हैज़ वेरी हाई स्टेक्स। अगर एक रिटर्न गलत फाइल हो जाए तो फिर आप इनकम टैक्स और GST डिपार्टमेंट से चक्कर काटते रहेंगे। सो वंस आई नो दैट दिस गाय इज जेन्युइन एंड परफेक्ट, आई ट्रस्ट हिम एवरी ईयर मनी व्हाट ही वांट्स टू टेक फ्रॉम मी, एंड ही ऑलवेज टेक्स जेन्युइन मनी, बट देन द क्वालिटी ऑफ वर्क इज परफेक्ट। गुड सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस एग्जाम्पल विद अस। Thank you guys for watching this video. If you like this video, then please hit the like button and subscribe button, and keep watching for more. Thank you. Thank you. Bye.